आदिवासी जमीन की लूट को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ खबर अखबार और सोशल मीडिया में वायरल होता रहता है, जिसमें कभी मारपीट, गाली गलौज तो कभी गोली चलने तक की खबरें शामिल रहती है। इसी तरह की एक खबर याद कीजिए, पिछले महीने यानी कि 5 जून को राजधानी रांची के पुरानी रांची स्थित विवादित डाली कतारी जमीन को लेकर ग्रामीण एक दूसरे से ही भिड़ गए थे। इस भिड़त में मुकुल कच्छप और गांव की रहने वाली बुजुर्ग महिला अनीता उराव उस बुधनी पर फायरिंग और जानलेवा हमला किया गया था। मुकुल के मुंह में लगी गोली जबड़े के आर पार होकर मुंह में ही फंस गई थी, जिसे बड़े ही मुश्किलों के बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर निकाला और मुकुल की जान बचाई थी। वही अनीता उराव को सिर पर इतने बेरहमी से मारा गया था कि जिसके वजह से डॉक्टरों को छिटाके लगाने पड़ गए थे। 5 जून की रात गोली चलने के बाद ग्रामीण रात में ही थाना पहुंचकर गिरफ्तारी की मांग करने लगे थे। नामजद लोगों के खिलाफ FIR भी किया, लेकिन पुलिस तब तक कार्रवाई करने के मूड में नहीं थी। लगातार ग्रामीणों ने 2 दिनों तक थाना का घेराव किया। पुलिस पर आरोपियों को बचाने और संरक्षण देने के कई गंभीर आरोप भी लगे। तब जाकर कोतवाली थाना की पुलिस ने मुख्य आरोपी यानी कि गगन कच्छप, जो घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो चुका था, उनके परिवार के बाकी सदस्यों को जेल भेज दिया, जिसमें नितिन कच्छप, शरद कच्छप, पवन कच्छप, फूल कच्छप, डोली कच्छप, मिताली तिर्की, रचना कच्छप और बेरोनिका कच्छप समेत 8 लोग शामिल थे। लेकिन फरार आरोपियों में गगन कच्छप के साथ और 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से तब भी बाहर थे। ग्रामीणों के लगातार दबाव और पुलिस की बढ़ती दबिश की वजह से आखिरकार इस गोलीकांड के मुख्य आरोपी गगन कच्छप और बाकी आरोपी, जिनमें दुर्गा कच्छप और चुन्नो उर्फ चारू कच्छप, पिछले गुरुवार यानी कि हम 11 जुलाई की बात कर रहे हैं, 11 जुलाई को इन तीनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। तीनों को होटवार जेल भी भेज दिया गया है, लेकिन इन तीनों के जेल जाने के बाद भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको बेनकाब होना अब भी बाकी है, जिसकी सच्चाई आप तक, हम तक और पुलिस तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। चलिए आगे बताते हैं। ये तो थी गोलीकांड से लेकर गगन कच्छप की गिरफ्तारी तक की जानकारी, लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि आखिर आदिवासियों के सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था की डाली कतारी जमीन पर इतना विवाद क्यों है कि बात एक आदिवासी का दूसरे आदिवासी पर गोली चलाने तक पहुंच गई। दरअसल मामला पुरानी रांची स्थित 2 एकड़ 81 डिसमिल जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। आदिवासी व्यवस्था यानी कि डाली कतारी जमीन पर जमीन कारोबारियों की नज़र साल 2015 से ही लगी हुई है। लगातार जमीन कारोबारी जमीन को हथियाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते रहे हैं। जवाब में ग्रामीण भी इनको मुंह तोड़ जवाब देते रहे, लेकिन इसी साल 11 फरवरी को ग्रामीणों ने ग्राम सभा कर राजधानी रांची के आदिवासी संगठनों से मिलकर भूमाफियाओं द्वारा कराए गए चार दीवारी को तोड़ डाला था। आक्रोशित ग्रामीणों की संख्या देख पुलिस भी चुपचाप इस तोड़फोड़ को देखती रही। रातों रात तैयार किए गए इस चार दीवारी को ग्रामीणों ने कुछ ही घंटों में जमींदोज कर दिया था। चार दीवारी तोड़ने के कुछ ही दिनों के बाद बिल्डर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बिल्डर रिपुंजय प्रसाद सिंह, जो मोरियास इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है, उन्होंने 3 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में ग्रामीणों के खिलाफ फरवरी में ही कोतवाली थाना में केस दर्ज किया था। और इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उराव के साथ साथ गांव के लगभग 28 लोगों पर नामजद और लगभग 150 अज्ञात ग्रामीणों पर FIR किया था। ग्रामीणों का नाम FIR में डलवाने और डाली कतारी जमीन को कब्जा कराने में गगन कच्छप ने बिल्डर का सहयोग किया था। गगन कच्छप की इस कारनामे की वजह से ही पुरानी रांची के ग्रामीणों ने इसका सामाजिक बहिष्कार फरवरी में ही कर दिया था। और सामाजिक बहिष्कार के बावजूद घटना की रात पुरानी रांची में ही एक महिला की गोद भराई रस्म थी, जिसमें गगन कच्छप के शामिल होने की खबर जब ग्रामीणों को मिली तो विवाद यहीं से शुरू हुआ। और बाद में गगन कच्छप ने अन्य लोगों को बुलाकर जानलेवा हमला करने के साथ साथ फायरिंग भी करा दी थी। इस पूरे खूनी विवाद में एक आदिवासी दूसरे आदिवासी को मारने पर उतारू था, पर असल दोषीदार पर किसी की नजर ही नहीं गई।
क्योंकि जमीन कारोबारी तो यही चाहते हैं कि आदिवासी आपस में लड़ जाए, मर जाए और इसका फायदा उठाते हुए जमीन कारोबारी जो है उस जमीन पर कब्जा कर ले। जी हाँ, आपसी लड़ाई में बिल्डर रिपुंजय प्रसाद सिंह का नाम गुम हो गया। किसी का ध्यान ही नहीं गया कि इस मारपीट के पीछे किसका हाथ है। उस डाली कतारी जमीन का यही वह बिल्डर है जो सालों से इसे हथियाना चाहता है, कभी कोर्ट के माध्यम से तो कभी उसी बस्ती के गगन का छप्पू पैसे का लालच देकर। फिलहाल इन तीनों आरोपियों के सरेंडर करने के बाद भी अपनी प्लानिंग के हिसाब से बिल्डर आरपी सिंह बखूबी अपना काम कर रहे हैं और यहाँ आदिवासी आपस में ही लड़कर मर रहे हैं। कैसे बिल्डर इस 2 एकड़ 81 डिसमिल जमीन यानी कि डाली कतारी जमीन को अपना बताता है, इसका खुलासा हम अगले एपिसोड में करेंगे। इंतजार कीजिएगा क्योंकि जमीन से जुड़े यानी कि बिल्डरों के कैसे खुलासे हैं, कैसी चीजें हैं जो आप तक आने बहुत जरूरी है। आदिवासी जमीन पर जब भी विवाद होता है याद रखिएगा उसमें किसी बड़े भूमाफिया का या किसी बड़े बिल्डर का हाथ होता है। फिलहाल यह जो नाम मैंने लिया है बिल्डर रिपुंजय प्रसाद सिंह यानी कि आरपी सिंह जो मोरियास इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं, इन पर किसी की नजर नहीं गई है। बिल्डर लगातार साल 2015 से इस जमीन के पीछे पड़ा हुआ है और कई माध्यम से जमीन को हथियाना चाहता है। फिलहाल इससे जुड़ी और एक एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किन किन कागजों के आधार पर आरपी सिंह इस डाली कतारी धार्मिक जमीन को अपना बताने की कोशिश कर रहा है और कैसे ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल अगले एपिसोड में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, खतियान से लेकर हर चीज आपको बताएंगे, कोर्ट से क्या क्या फैसले आए हैं ये भी आपको बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ यानी कि लोकतंत्र 19 के साथ। और जो हमारे नए साथी हैं इस चैनल को लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें। लोकतंत्र 19 के साथ साथ हमारा और एक चैनल है दी ग्राम सभा। हमारे साथी जो पुराने साथी है जो नए साथी है फिलहाल इस हमारे नए चैनल यानी कि दी ग्राम सभा में जाकर इसे भी लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।